चेतन महाप्रभु जहाँ जाते थे तो वहाँ कई लोग तैयार हो जाते थे कि हम आपके साथ चलेंगे, इस दुख धंधा में गृहस्थी में हम मर रहे हैं। तो चेतन महाप्रभु कहते कहते थे नहीं, यहीं रहे यहीं। अब देखिए जगन्नाथपुरी से चले और वृंदावन में उनके साथ केवल ये कहीं आदमी आया तो सबको रोकते हैं, कहते थे यही कीर्तन कीजिए, दस पाँच मील निज दुआरे बसिया कीर्तन करी है सब हाथे ताली दिया। फिर दस पांच आदमी जुट करके और अगर ढोलक ना भी मिले तो पहले हाथ से ताली दे देकर कीर्तन गाइए, बस यही करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार भगवान ने अपने आप प्रत्येक व्यक्ति को एक बाजा दिया है जिसको करताल कहते हैं। कर्म हाथ ताल मनता करता सब कुछ दिया भगवान ने। शरीर में विरक्तों के लिए एक पात्र दिया है, कटोरी से जोड़ लीजिए बन जाएगा करपात्री, और इन दोनों को टकराइए तो बाजा हो गया। ये चम्मच का काम करता है, अच्छा काम करता है, लोग कांटा साटा से खाते हैं, भगवान ने ऑलरेडी पांच कांटा बनाया है अपने आप दिया है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बाजा की जितनी जरूरत है सब शरीर में भगवान ने दे दिया है, उच्चारण करने के लिए जीभ दिया है। वास्तव में कहीं कहीं तो प्रवचन आदि बहुत फालतू होते हैं, इसीलिए कीर्तन ही ठीक है, भगवान का नामोच्चारण ठीक है। कम से कम ये तो खाटी है ना, ये तो क्लियर केवल है, शुद्ध शुद्ध है, इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन आदि नहीं है, और ये भाषण वो भाषण सीधा भगवान का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु इसी को करने के लिए कहते हैं। अवश्य भगवान के गुण जहाँ बोले जा रहे हैं ये शुद्ध बात है तो उसको सुनना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं संशय हो जाए कि सुनूं कि नहीं सुनूं, तो सीधा बस हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 ये बिल्कुल प्योर। तो चैतन्य महाप्रभु बताते थे, तो मैं यह कह रहा था कि जो घर गृहस्थी में लोग हैं और बच्चों में पत्नी में स्वाभाविक आसक्ति है, यह कोई बहुत गर्हित चीज नहीं है, भगवान कुछ सीखने के लिए बनाए हैं इसको। अप्राकृत जगत का एक अनुभव प्राप्त करने के लिए कि यही संबंध भगवान के साथ है, तो आसान पड़ता है इस व्यक्ति के लिए, केवल धारा मोड़नी पड़ती है। लेकिन जिनके हृदय में वो पानी है ही नहीं तो नया बोरिंग करेंगे और पानी निकालेंगे तब ना। तो ये जो निराकार मार्ग आदि है निर्विशेष या बिल्कुल अस्वाभाविक, इसलिए गीता में भगवान उसके प्रति बिल्कुल जब बोले होंगे भगवान तो जरूर ऐसे कहे होंगे। अर्जुन पूछते हैं दोनों में कौन ठीक है, कहते युक्त तमाम युक्त तमाम, कौन ठीक है, युक्त का अर्थ कौन ठीक है। तो भगवान डायरेक्ट उत्तर दिए कि जो मुझ में मन लगा करके मेरा भजन करते हैं वो ठीक है। तो अर्जुन कहा वो बड़े बड़े लोग भी उसमें देखे जाते हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, वो भी तो मेरे पास ही आते हैं, लेकिन तुम मुझ में मन लगाओ मुझ में बुद्धि लगाओ छोड़ो ये सब बात। जिस समय भगवान रथ पर बोले होंगे कितने उनके मुख की मुद्रा क्या हुई हो, क्या कभी उन्होंने कहा कि उसमें मन लगाओ या उसमें बुद्धि लगाओ, कहीं भी कहा है तब गीता पढ़ करके दूसरे लोग क्यों मन लगाते हैं इसमें, इसका भगवान की बात को समझे नहीं, समझ में नहीं आया।